दोस्तों ये जो ड्राइव रिव्यू है ना, ये बेसिकली एक तो मैंने पहले से आज का आपके साथ में ड्राइव रिव्यू शेयर किया था, और ये बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्रोंग्स गाड़ी से और ब्रीजा से, अब मैं काफ़ी टाइम से, लगभग मेरे को एक हफ्ता हो गया ये लोनर गाड़ी मिले हुए, जिसका नाम है मारुति सुजुकी सियाज। ये एक प्योर सेडान कार है, 170 mm की इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस है, और जो मॉडल मेरे पास में है ये 2014 से 2017 वाला मॉडल है, और 2014-17 वाले मॉडल में पेट्रोल वेरिएंट है ये। इसमें हमें 1350 सीसी का K14B समथिंग इंजन आता था, जो कि हमें देखने को मिलता था। इसके अंदर 91 bhp की पावर थी, और मेरे ख्याल से 115 न्यूटन मीटर्स के आसपास का पीक टॉर्क इसमें देखने को मिल जाता था। तो गाड़ी चलती कैसे है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी शेयर किया था, और ये तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि भाई गाड़ी किस तरीके से चलती है, क्या कुछ है इसमें, कैसा इसका फीडबैक है, क्या सब है, तो उसको तो अगर आपको देखना है तो आप जाके उस वीडियो को देख लेना, आपको आई बटन में दिखाई दे रहा होगा। उस गाड़ी से मुझे इस पे आके स्विच कैसा लग रहा है, टेम्परेरी स्विच है, तो यार मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस गाड़ी को चलाने में उस गाड़ी के बाद से। और अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ब्रीजा थी 200 mm वाली, उसके बाद में फ्रोंग्स थी 190 mm, इसमें 170 है, तो प्यार से निकालो धीरे से तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और जब से मेरे पास में ये गाड़ी आई है ना, मेरे को सियाज बहुत दिखाई दे रही है रोड पे ना, मतलब होता है कि जब अपने पास चीज़ होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देती है। अभी शाम का टाइम है और मैं एक थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा अपना फीडबैक वगैरह शेयर करता हूँ। फ्रोंग्स को तो डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, और होपफुली गाड़ी मेरे को अगर सब कुछ सही रहा तो कल या परसों तक मिल जानी चाहिए। फिर मैं बताऊँगा क्या कुछ मेरा पूरा उसके अंदर खर्चा रहा, क्या रहा, जीरो डेब इंश्योरेंस था, नई गाड़ी थी, तो वो सारी बातें भी आपसे शेयर करूँगा। बाकी यार मेरे को सबसे अच्छी चीज़ इस गाड़ी की, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया था, वो लगा इसका इंजन। 95,000 किलोमीटर्स देख सकते हो आप, ये गाड़ी चल चुकी है 1,00,000 किलोमीटर के आसपास चलने के बाद में भी ना इंजन में अच्छा खासा ग्रंट है, और चाहे पहला गियर हो, दूसरा गियर हो, तीसरा गियर हो, सभी में अच्छी खासी इसमें स्पीड रेशोज वगैरह जो हैं वो देखने को मिल जाती है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी मैंने आपको उस वीडियो में दिखाई थी, और सस्पेंशन जो है गाड़ी के बिल्कुल ठीक हैं। मुझे नहीं पता भाई चेंज हुए हैं नहीं हुए हैं या क्या सीन है उसका, बट सही काम कर रहे हैं। सिर्फ एक जो समस्या इस गाड़ी के साथ में है वो ये कि ये थोड़ी सी बजरी है, बजरी से मतलब आवाज़ कर रही है कहीं कहीं से इस गाड़ी के अंदर जो है वो आवाज़ है, और वो एविडेंट है क्योंकि जब पता नहीं कितने लोगों ने इसको चलाया होगा, लोनर गाड़ी है, अब कोई अपनी गाड़ी नहीं होगी तो इतना केयर से तो चलाएगा नहीं, तो ये गाड़ी के अंदर कहीं कहीं से जो है वो खड़खड़ वाली आवाज़ें जो हैं वो आ रही है। बाकी अभी मैं गाड़ी को हाईवे पे लेके जा रहा हूँ, और हाईवे पे आप लोगों को इसको चला के बताऊँगा कि गाड़ी जो है वो किस तरीके से जो है वो चल रही है। यार अब देखो मैं गाड़ी को ना ट्रैफिक में चला रहा हूँ, और मेरे को ना फ्रोंग्स की बहुत याद आ रही है, क्योंकि वो थी AGS, यहाँ पे बार बार फर्स्ट सेकंड मेरे को करना पड़ रहा है। तो AGS तो यार वाकई में बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। सिर्फ एक चीज़ जो मेरे को खली ना इस गाड़ी में, मतलब ऑब्वियसली अपनी गाड़ी अपनी होती है, और जो एक चीज़ जो सबसे पहले जो नोटिस होती है ना, वो नोटिस हुई मेरे को मैनुअल गियर। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और उसके बाद में क्लच को दबा के रखो। फिर एक चीज़ और है फ्रोंग्स में ना, जो अब खैर नेक्सा की जो भी गाड़ियाँ मारुति की आती हैं, और इनफैक्ट जो आजकल सारी गाड़ियाँ आती हैं, उसमें एक फ़ीचर देखने को मिलता है हिल होल्ड असिस्ट का, तो वो बहुत ज़बरदस्त फीचर है, और वो तो यार मतलब इतना काम का है ना कि जैसे आप ढलान पर खड़े हो तो आपको एक स्पीड मेंटेन करने की, उसमें एक स्पीड बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो गाड़ी को रोक के रखता है, आपकी गाड़ी जो है ना पीछे नहीं जाती है, तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी है। और थोड़ा सा मेरे को इस गाड़ी में ना क्लच ज़्यादा छोड़ना पड़ रहा है, मीडियम में आने के बाद में, बीच तक आने के बाद फिर ये गाड़ी को उठाता है, तो ये एक चीज़ थोड़ी सी है। बाकी अभी ये वाला थोड़ा हिस्सा निकलने के बाद में हाईवे आएगा, तो एक बार हाईवे पे और गाड़ी को चला के देखेंगे कि कैसा इसमें लगता है चलाने में। अब आ चुके हैं देखो हाईवे पे, मैं गाड़ी को अभी चौथे गियर में चला रहा हूँ, 60 की स्पीड है, और अब मैंने इसको पांचवे गियर में डाला। स्टेबिलिटी गाड़ी की ना एकदम से ज़बरदस्त है, चिपक के चल रही है, सेडान है तो ये इससे एक्सपेक्टेड है, लेकिन मेन बात यह है कि 1,00,000 किलोमीटर चलने के बाद भी बहुत बढ़िया चल रही है। कोई टायर नॉइज़ या कोई इंजन नॉइज़ गाड़ी के अंदर नहीं आ रही है,
टायर हल्के से वॉर्न आउट हैं वो महसूस हो रहा है, लेकिन गाड़ी चलने में ना यार बहुत सही है। भले ही कितने लोगों ने इसको चलाया है, इससे इस बात का पता चलता है कि यार मारुति की गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। और एक जो कहते हैं ना इसका बुढ़ापा बहुत अच्छा है, तो ये चीज़ है कि इसका बुढ़ापा वाकई में ही अच्छा है। और इंजन तो कतई ऐसा लगता ही नहीं है कि 1 लाख चलाए, लगता है कि अभी इसको 2-2.5 लाख और चला लो तो भी ये कहीं नहीं जाएगा, मतलब खुलने वाली बात तो कतई से कतई तक नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ था मेरा एक छोटा सा मतलब एक्सपीरियंस कि भाई फ्रॉन्क्स चलाने के बाद में। अच्छा एक चीज़ और थी, मेरे को ये महसूस होता था कि जब मैं कोई सेडान गाड़ी, जैसे मैं हमेशा सोचता था कि 190 तो मिनिमम होनी चाहिए ग्राउंड क्लियरेंस, नहीं तो इंग्रेस एग्रेस इशू बहुत होगा, क्योंकि मेरी जो हाइट है वो 6'1" है। ठीक है, पर मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं, मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ नहीं, तो मुझे लगा कि यार अब अच्छा इसके पीछे ना एक रीज़न और है, गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस भले ही 170 mm है लेकिन इसकी जो टायर साइज़ है वो 16 इंच है, तो मतलब उस वजह से भी ये गड्ढों में भी बड़े आराम से निकलती है और उस वजह से इंग्रेस एग्रेस इशू जो है वो कम महसूस होता है। तो ओवरऑल यार मुझे गाड़ी बहुत बढ़िया लगी चलाने में, कोई मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे कोई बहुत ज़्यादा एडजस्ट वगैरह नहीं करना पड़ा। और इसका एक वॉक अराउंड वीडियो भी ना मैं अपने चैनल पर बुलाऊँगा कि 2014-17 में मारुति अपने एक तरीके से मेरे ख्याल से फ्लैगशिप मॉडल होगा, अगर एस्क्रॉस नहीं आती होगी, एस्क्रॉस भी आती थी उस टाइम पे, तो उसमें ये लेकिन टॉप वेरिएंट है इसका क्योंकि इसके अंदर सारे प्रीमियम फीचर्स हैं, उसमें क्या देती थी, तो ये देखना भी एक मज़ेदारी वाली बात रहेगी कि उस टाइम पे मारुति जो है अपनी सेडान गाड़ी में, प्रीमियम गाड़ी में, टॉप वेरियंट में क्या फ़ीचर्स देती थी। तो वो भी मैं लेके आऊँगा, वो भी ज़रूर देखना, उससे आइडिया लगेगा कि हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो किस तरीके की आती थी पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। देखो फिर से भीड़ आ गई है, फिर से फर्स्ट सेकंड करना पड़ेगा। डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड ऑटोमोटिव रिलेटेड कॉन्टेंट। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ।